हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ये एक पर्पल हॉल वीडियो है और मैंने पर्पल से टोटल 5 चीजें ऑर्डर करी है और ये मेरे चैनल पे फर्स्ट पर्पल हॉल है, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी इसे आपके साथ शेयर करने के लिए। और जो सारे ही प्रोडक्ट्स हैं मैंने उन्हें थोड़ा थोड़ा यूज भी कर लिया है ताकि उनका जो जेन्युइन रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा पर्पल से वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद है और वो है NY Bae का कॉम्पैक्ट पाउडर और इसका शेड है 2 Fair Beige। एंड ये इतना अच्छा वाला कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, मुझे इससे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, बट ये काफी ज्यादा अच्छा है। एंड इसकी जो पैकेजिंग है ना वो काफी ज्यादा यूनिक लगी मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर स्क्वायर शेप का नहीं देखा है। एंड ये इसका शेप मुझे काफी अच्छा लगा और इसको जब हम ओपन करते हैं तो आपको एक बड़ा मिरर देखने को मिलता है। हाँ, इसका मिरर थोड़ा सा साइड से टूटा हुआ था, होप यू कैन सी, बट प्रोडक्ट काफी अच्छा है तो मैंने इसे रिटर्न नहीं करा है। एंड इसके साथ में रिसीव होता है एक पफ जो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है और इसका जो प्रोडक्ट है काफी ज्यादा अच्छा है, इतने अच्छे से ये स्किन को मैट कर देता है। और अगर आपका मेकअप काफी ज्यादा ड्यूई लग रहा है ना तो इसको यूज करने के बाद एकदम से मैट हो जाता है, वो सारा का सारा ऑयल जो है ये इसको सुखा देता है और काफी ज्यादा अच्छा ये प्रोडक्ट मुझे लगा। तो जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो भी है NY Bae का और ये वाला प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और ये है NY Bae का ट्रांसल्यूसेंट लूज पाउडर। मैंने और भी लूज पाउडर यूज करे हैं, मेबलिन का भी यूज करा है, बट वो इतने ज्यादा मेसी नहीं होते, ये कुछ ज्यादा ही मेसी है। इसको ओपन करते ही ये एकदम से इतना ज्यादा उड़ने लगता है, इसको यूज करो तो पूरा आधा तो गिर ही जाता है इसमें से। ये टिकता ही नहीं है, ये जितना टिकता है उससे ज्यादा तो इसमें से उड़ ही जाता है। तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, इससे बेटर मैं 2 कॉम्पैक्ट ले लेती तो मुझे वो ज्यादा सेटिस्फाइड लगता। लूज पाउडर तो मैंने और भी यूज करे हैं, बट जो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है वो मैंने फर्स्ट टाइम यूज करा था। आई डोंट नो कि सारे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं या फिर ये सिर्फ NY Bae वाला ही इस तरह का था। तो मुझे तो ये वाला पसंद नहीं आया है। इसका जो फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा ऐसे टैल्कम पाउडर जैसा है, बेबी पाउडर जैसा है और मेकअप ना इससे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे केकी लगने लगा है। तो मेरी तरफ से तो ये वाला प्रोडक्ट बिल्कुल फेल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का विटामिन C फेस सीरम और ये वाला फेस सीरम मुझे काफी ज्यादा पसंद है। करंटली ये मेरा फेवरेट फेस सीरम चल रहा है और इसे मैंने काफी ज्यादा यूज भी कर लिया है। अगर आपके स्किन पे काफी ज्यादा डार्क स्पॉट्स है ना तो ये वाला फेस सीरम आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये उनको लाइटन अप करता है और आपके स्किन टोन को इवन आउट भी करता है। एंड इसको मैंने परचेज करा था 202 रुपीज का एंड इसका जो MRP है वो है 285 रुपीज। एंड जो 3 प्रोडक्ट मैंने अभी आपको दिखाए थे, मैं उन तीनों का ही प्राइस मेंशन करना भूल गई थी, तो उनका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका प्राइस एंड लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। सो इन केस अगर आप उन्हें परचेज करना चाहें तो आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाला फेस सीरम भी बिल्कुल अच्छा वाला है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। एंड अब बारी आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो जो हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट 2 प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों ही लिपस्टिक के हैं और उसमें से मैं जो फर्स्ट शो करना चाहूंगी वो है NY Bae की लिक्विड लिपस्टिक और इसका शेड है 25 मिरिंडास फर्स्ट किस। एंड यही वाला लिप शेड मैंने अभी लगाया हुआ है और ये काफी अच्छा सा रेड शेड है, दिखा देती हूँ आपको का सॉच हम देख लेते हैं। इसको अभी मैंने जैसे काफी लाइट लगाया हुआ है, मैंने इसे हल्का सा लगा के इसको स्प्रेड कर दिया था और जब इसे मैंने एकदम अच्छे से ज्यादा करके लगाया था ना मुझे बहुत ज्यादा स्टिकी लग रही थी। एंड हाँ, ये थोड़ी सी ड्राई है, बट अगर आप इसको लगाने से पहले अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाते हो, अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करते हो, तो बिल्कुल भी आपको ड्राई फील नहीं होगा। लिप स्पेस का शेड कुछ इस तरह का आ रहा है, अभी मैंने थोड़ा हल्का लगाया हुआ है इसलिए इसका लिप शेड इस तरह का आ रहा है। एंड हाथ पे इसका शेड कुछ ऐसा आ रहा है एंड मेरे लिप्स थोड़े से पिगमेंटेड भी है, इसीलिए इसका जो कलर है वो हल्का सा डिफरेंट आ रहा है। अगर आपके लिप्स बिल्कुल पिंक है या फिर बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं है तो इसका शेड बहुत अच्छा लगने वाला है आपके लिप्स पे। तो अब जो हमारी नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है माय ग्लैम की अल्टीमेट लॉन्ग स्टे मैट लिक्विड लिपस्टिक और इसका शेड है, इसका शेड बाहर तो मेंशन नहीं करा हुआ, अंदर देखते हैं। इसमें से अंदर लिखा हुआ है अ मैट मेड इन हेवन। नाइस। इसका शेड नेम कहाँ गया? हाँ, इसका नेम जो है वो है बॉम्ब शेल और अभी मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है, बाकी मैं इसका शेड नेम भी मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे यहीं कहीं। तो इसका शेड भी हम देख लेते हैं। इसका शेड कुछ ऐसा सा है एंड पर्सनली ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये इतनी ज्यादा मैट है ना, ये वाटरप्रूफ है, सच में ये वाटरप्रूफ भी है और ये ऑयल प्रूफ भी है कि अगर आप खाना वाना खा रहे हो ना तो ये अच्छे से जाएगी नहीं, मतलब ये हटेगी नहीं आपके लिप्स से एंड काफी देर तक इसका स्टे रहने वाला है कि आप मॉर्निंग में लगाओगे तो ये आपको इवनिंग तक आपके लिप्स पे नजर आएगी एंड बहुत प्यारी लिपस्टिक है। एंड ये दोनों ही लिपस्टिक्स मैट है बट ये वाली मुझे थोड़ी सी ट्रांसफर प्रूफ नहीं लगती क्योंकि ये हल्की हल्की ट्रांसफर होती है, बट जो माय ग्लैम वाली लिपस्टिक है वो बिल्कुल ड्राई होने के बाद बिल्कुल भी ना ही ट्रांसफर होती है ना ही आपको लिप्स पे ऐसे स्टिकी स्टिकी लगती है। बट दोनों ही लिपस्टिक को लगाने से पहले आप अगर अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर वो आपको अपने लिप्स पे ऐसे ड्राई ड्राई नहीं लगेगी। तो NY Bae की जो लिपस्टिक है, जब मैंने इसे परचेज करा था तो इसका प्राइस था 127 रुपीज, अभी प्राइस आगे पीछे होता रहता है तो आप चेक कर लीजिएगा। एंड इसका जो MRP है वो यहाँ से मिटा हुआ है तो मुझे नहीं नजर आ रहा है। और जो सेकंड लिपस्टिक थी हमारी माय ग्लैम की, इसका प्राइस है 599 रुपीज और आई थिंक मैंने इसे MRP पे ही परचेज करा था। So yeah, that's it for today guys. I hope you enjoyed the video and video आपको पसंद भी आया हो and अगर आपको ये video पसंद आया है so don't forget to like, comment and share it with your family and friends and मुझे Instagram पे भी जरूर follow करें and bye bye, मिलते हैं next video में।